पुलिस ने चार गैम्बलर्स यानी कि चार जुआरी को पकड़ा है और ये खबर जो है पटन से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर चार गैम्बलर्स मौजूद है और उसके पास बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंचती है और बताया जा रहा है कि ये जो गैम्बलर्स है ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन वहां पर जो है ये थे। और जब पुलिस को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है, ऑन द स्पॉट पहुंचती है। और जब ये लोग पुलिस को देखते हैं तो वहां से ये लोग भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें पकड़ लेती है। और जहां पर इनका नाम भी सामने आया है इन चार गैम्बलर्स का, एक का नाम मुश्ताक अहमद गनई सनाफ मोहम्मद रमजान जो कि फरिश्तहार करीरी के रहने वाले हैं, और दूसरे का नाम नदीम अहमद वानी सनफ नजीर अहमद वानी जो कि वलू हजी बल के रहने वाले हैं, और तीसरे का नाम अब्दुल मजीद शेख सनफ गुलाम मोहम्मद शेख जो कि पर मोहल्ला पटन के रहने वाले हैं, और चौथे शख्स का नाम जो है असदुल्ला भट्ट सनफ गुलाम मोहुद्दीन भट्ट जो कि भट्ट मोहल्ला पटन के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन वहां पर मौजूद थे और ये चार लोग जो है ये गैम्बलर्स थे यानी कि जुआरी थे। और जब पुलिस को इनके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वहां पर मौजूद है और ये वहां पर इस तरीके के काम करते हैं, पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंचती है और इन चार लोगों को जो है फिलहाल अरेस्ट किया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की तरफ से की जा रही है।